हम सन के बारे में बात कर रहे थे। तो सन जो है, हमें पता है कि सोलर सिस्टम का 99% मास जो है वो सन के पास होता है, और बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल भी होता है दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर कि वो उनको उनके ऑर्बिट्स में ही घुमाता रहता है, और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है। ये सब इंट्रोडक्शन बेसिक जो है हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है सन के बारे में, सन का एवोल्यूशन, सन की रोटेशन, मास, कॉस्मिक ईयर और इंटायर एनाटॉमी। सबसे पहले एवोल्यूशन देखेंगे। देखो क्या है कि सन जो है ना, दैट इज़ अ स्टार। वी ऑल नो कि सन एक स्टार है, ठीक है। जैसे सन एक स्टार है, वैसे और बहुत से स्टार्स हैं, और उन स्टार की फॉर्मेशन और उन स्टार के स्टेप्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। कुछ जो स्टार्स हैं, स्टार क्या है, जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग बॉडी है, जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, जिसके अंदर गैसेज बन रही हैं, जिसके अंदर एनर्जी है, एनर्जी के वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, दैट इज़ अ स्टार ओनली, राइट। तो ऐसे जो स्टार्स हैं, इनकी कुछ डिफरेंट स्टेजेस भी होती हैं, ठीक है। इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनका एक मिड पॉइंट होता है, ठीक है, और इनका एक एंड पॉइंट भी होता है, हर चीज़ की तरह। तो जो स्टार्स होते हैं, ये क्या करते हैं, देखो, जब ये स्टार है, तो जब ये बना है, तो ये एक दिन ख़त्म भी होगा। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे कुछ वाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स बन जाते हैं, कुछ ब्लैक होल बन जाते हैं। और सिंपल मैं आपको समझाती हूँ, शुरू से देखो, जो भी बोला है वो भूल जाओ। एक डस्ट का और गैस का, सपोज करो कि एक डस्ट और गैस का क्लाउड है, समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ। जैसे डस्ट और गैस का एक क्लाउड है, और उस डस्ट और गैस के क्लाउड को आप लोगों ने क्या बोला, नेब्यूला बोल दिया। क्या बोल दिया, नेबुला। एक क्लाउड है, जहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे गैस है, उसको हमने नेबुला बोल दिया। और ये जो नेबुला है, इस नेबुला से हमारे पास बन रहा है एक स्टार जैसी चीज़, जिसको हमने क्या बोला, प्रोटोस्टार बोला। क्या बोल दिया, प्रोटोस्टार बोल दिया। हमारे पास डस्ट है, देखो स्टार का एवोल्यूशन कैसे होता है, सन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम सोचेंगे कि हमारे पास क्लाउड है। किस चीज़ का क्लाउड है, गैस का क्लाउड है, डस्ट का क्लाउड है, और उस गैस और डस्ट के क्लाउड से हमारे पास क्या बन गया, ये प्रोटोस्टार बन गया। अभी इस प्रोटोस्टार से नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, हम सन को जानते हैं, तो सन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस प्रोटोस्टार स्टार से हमारे पास सन लाइक एक स्टार बन गया। क्या बन गया हमारे पास, सन के जैसा एक स्टार बन जाएगा। अब यहाँ तक एकदम सही है, यहाँ तक एकदम सेम है। आगे हम ये देखेंगे कि इन्हीं से रेड जियांट बनेगा, फिर रेड जियांट में चेंजेस होंगे, वहीं से वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वाइट ड्वार्फ होता क्या है। देखो वाइट ड्वार्फ क्या होता है, देखो जब जैसे सन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूल है। ये देखो ये सन है ना, इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूल है, इसमें रिएक्शन हो रही है, इससे एनर्जी निकल रही है। इसकी शेप जो है वो कुछ ऐसी होती है कि इसको कितना ज़्यादा कंडेंस करके रखते हैं, और इसमें एनर्जी बनती है, और वही इसके अंदर ही एनर्जी बन रही है, रिएक्शन से ही एनर्जी बन रही है, और वही एनर्जी हीलियम बना के आगे एनर्जी बना रही है, जो एनर्जी लाइट की फॉर्म में हमारे तक पहुँच रही है, जिसकी वजह से पूरा हमारा एटमोसफियर है, सब कुछ धरती पर चल रहा है। तो इसके सेंटर में क्या है, जो कोई भी स्टार होता है, जैसे सन है, इसके सेंटर में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूल होता है। जब ये न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, बर्न करता रहता है, और इतना ज़्यादा बर्न करता है कि एंड तक पहुंच जाता है। तो ऐसे जो स्टार्स होते हैं वो अपनी आउटर लेयर जो है उसको एक्सपेल कर देंगे, और जो भी बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम नेबुला बोलेंगे। जो स्टार्स होते हैं ये अपनी आउटर लेयर जो होती है इसको एक्सपेल कर देंगे, ऐसे इसको एक्सपेल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये रहा, ये देखो, जैसे ये स्टार है, ये सन है, इसके अंदर यहाँ पे वो पार्ट है जहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रही है। और जब ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होती रहेगी, और क्या होगा, उस न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी जो है वो क्या होगी, एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाएगी। और एनर्जी जब एग्जॉस्ट होनी शुरू होगी, तो ये क्या करेगा, इसकी जो आउटर मोस्ट इसका मटेरियल होता है ना, वो एक्सपेल हो जाता है, और उससे क्या बनता है, सपोज करो ये फट गया, ऐसे सोच लो, ठीक है, और इससे क्या बन जाता है, प्लैनेटरी नेब्यूला। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लैनेटरी नेब्यूला। नेब्यूला तो हमें पता ही है क्या है, डस्ट है और गैस है। देखो यहाँ पे भी तो नेब्यूला था, यहीं से शुरू हुआ था ना, नेब्यूला से प्रोटोस्टार बना, उससे सन बना, सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन होती जा रही है, एक ऐसा पॉइंट आ गया जब बर्न हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल जो खत्म होने पे आ गया, तो स्टार का जो आउटर मटेरियल है वो एक्सपेल हो रहा है, और उसके अंदर ये जो छोटी सी चीज हमें दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वाइट ड्वार्फ। एवोल्यूशन कुछ समझ में आया, क्या बनेगा, क्या था, सबसे पहले गैस का क्लाउड था, ऐसे उससे हमारे पास क्या बन गया, प्रोटोस्टार बन गया,
ठीक है, उस प्रोटोस्टार से हमारे के पास क्या बन गया, सन बन गया, सन जैसा स्टार बन गया। उसके बीच में क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, अभी होती जा रही है, होती जा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बन रही है, बर्न होता जा रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूल एक टाइम पे आके क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया। जब न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो गया तो ये जो आउटर वाला है इसको बोलेगा चल भाग यहाँ से, और बीच में जब ये ऐसे फट जाएगा, ऐसे फट गया सब, तो बीच में जो रह जाएगा उसको बोलेंगे भाई साहब व्हाइट ड्वार्फ। और जो साइड पे ये जो फट गया सारा, ठीक है, ये वाला ठीक है, ये अंदर वाला नहीं, ये तो व्हाइट ड्वार्फ है, ये जो बाहर वाला है, ठीक है, सारे को बोलेंगे गैस और डस्ट का, डस्ट के पार्टिकल्स बोल देंगे, वही तो हमारा नेब्यूला है। उसको यहाँ पे हम बोलेंगे प्लैनेटरी नेब्यूला, इस स्टेज पे बोलेंगे हम उसको प्लैनेटरी नेब्यूला। एक ये हो गया। एक क्या होता है, जैसे डस्ट और ये क्लाउड्स वगैरह ये सब था और यहाँ से प्रोटोस्टार बना और सन बन गया। एक और चीज़ होती है, दैट इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार। यहीं पे कहीं पे होगा, कहीं पे नहीं है, चलो इट्स ऑल राइट। वो क्या होता है, ये रहा देखो, दिस इज अ न्यूट्रॉन स्टार। कई बार ये बन जाता है। अभी न्यूट्रॉन स्टार क्या है, पहले का प्रोसेस सेम है, लेकिन क्या बन गया हमारे पास, न्यूट्रॉन स्टार बन गया। अभी ये न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, देखो, इट इज़ अ एनी क्लास ऑफ एक्सट्रीमली डेंस कम्पैक्ट स्टार्स विच आर सपोज्ड टू बी मेड फ्रॉम न्यूट्रॉन्स। क्या हम समझते हैं कि भाई कहाँ से बने हैं, न्यूट्रॉन से, ठीक है, कहाँ से बने हैं, न्यूट्रॉन से। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ 12 miles 13 miles इतना सा ही इनमें जो है वो डायमीटर होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन स्टार क्या है, मतलब द थिंग की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंस है, ठीक है, एंड कम्पैक्ट स्टार्स हैं जो कहाँ से बनते हैं, न्यूट्रॉन से बनते हैं। देख ही रहे हो आप कितना डेंस है, कितना कम्पैक्ट हो गया, और इसके अंदर अभी क्या होगा, इसके अंदर होंगे अभी बहुत सारे न्यूट्रॉन्स। एक ये हो गया। एक है हमारे पास ब्लैक होल। ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं हम ब्लैक होल, यहाँ पे भी ब्लैक होल। व्हाट आर दीज ब्लैक होल्स, ये ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल इज अ रीजन, ये एक ऐसी जगह होती है, यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होती है कि कोई भी चीज जो है वो टिक ही नहीं पाती, एक मिनट में खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई लाइट का कोई हम बोलें कि वजूद रह जाता है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनमें कोई हम बोले कि उनका कोई कुछ वो इफेक्ट रह जाता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसमें ग्रेविटी होती है कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी चीज़ जो होती है उनमें भी इनफ एनर्जी नहीं होती है कि यहाँ से एस्केप कर जाए। तो ब्लैक होल क्या है, ऐसी जगह है क्या, जो लास्ट स्टेज है ब्लैक होल क्या है, इट इज़ द, देखो ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा अभी एनर्जी है। सपोज करो हमारा सन है, ये देखो ये हमारा सन है, सपोज करो कि ये खत्म हो गया, सब खत्म, बर्न हो गया, सब फ्यूल खत्म हो गया, ये व्हाइट ड्वार्फ बन गया, व्हाइट ड्वार्फ बन गया। जब ये व्हाइट ड्वार्फ बनेगा ना, तो भी इसके पास ऐसे लाइट होती है इसकी खुद की, इसमें थोड़ी सी जो बोलें एनर्जी जो है इसमें बची होती है, लाइट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी होती है। इवन कि ये ज़्यादा डेंस होता है, इट इज़ मोर कंडेंस्ड देन द सन। अगर ये पहले सन के साइज का था तो हो सकता है अभी ये अर्थ के साइज का हो भाई, तो ये ज़्यादा क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। अभी ये वाइट ड्वार्फ है, अभी तक इसमें कुछ है, जब इसमें कुछ भी नहीं बचेगा तो ये ब्लैक ड्वार्फ होगा। ब्लैक ड्वार्फ इतना ज़्यादा बोलते हैं कि काला होता है, वी आर अनएबल टू सी, हमें पता भी नहीं चलता कि ब्लैक ड्वार्फ कहाँ पे है। हम इसको कैसे देखते हैं कि जैसे अगर इधर क्लाउड होगा कहीं पे तो देख लेंगे कि उसके बीच में हमें ये मिल जाएगा, ऐसे हम देख लेते हैं। तो मतलब इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व, और इसके इसका खत्म होने का भी कोई नहीं है। साइंटिस्ट बोलते हैं जब जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो खत्म हो जाएगी, जिस दिन कि हमारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ये सब एटम ये खत्म हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हम बोल सकते हैं कि ब्लैक ड्वार्फ्स जो है वो खत्म हो गए, अदरवाइज ये भी कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ये है हमारा व्हाइट ड्वार्फ, और व्हाइट ड्वार्फ की जो लास्ट स्टेज है, इस व्हाइट ड्वार्फ की जो हो रही है इसको क्या हो रहा है, व्हाइट ड्वार्फ की जो लास्ट स्टेज है दैट इज अ ब्लैक होल। पहले डस्ट पार्टिकल्स हैं, फिर प्रोटोस्टार है, फिर सन लाइक स्टार बना, उसके बीच में रिएक्शन हो रही है, होती गई न्यूक्लियर फ्यूजन होती गई। रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही तो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम ही बना रहे हैं। फिर जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो खत्म होने पे आ गया, लास्ट ये जो स्टेज में आउटर जो उसका लेयर्स हैं उनको एक्सपेल कर दिया, वाइट ड्वार्फ बच गया। अभी वाइट ड्वार्फ का लास्ट भी क्या होगा, ब्लैक होल। और यूनिवर्स में ये होता रहता है, स्टार्स बन रहे हैं, स्टार्स ब्लैक होल में जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, मिडल स्टेज में आ रहे हैं, ये कंटिन्यूली हो रहा है। दिस इज अ बेसिक एवोल्यूशन। इसमें से क्या याद रखना है आपने, कि पहले क्लाउड का, गैस और डस्ट का एक क्लाउड होता है,
उससे प्रोटोस्टार बन जाता है, प्रोटोस्टार से रेड जियांट बनेगा, रेड जियांट की कोर में हाइड्रोजन होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं, हीलियम बना देते हैं, एक्सपेंशन होती है, बर्न होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या है, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जो फ्यूल है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। जब फ्यूल धीरे 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 खत्म होता है तो वहाँ से क्या कभी वाइट ड्वार्फ बन जाता है, न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, या फिर ब्लैक होल बन जाता है। दिस इज अ बेसिक एवोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टार इंक्लूडिंग सन, बिकॉज सन इज ऑल्सो अ स्टार। नाउ वी हैव अ रोटेशन। देखो वी नो कि रेवोल्यूशन तो हो रही है, ठीक है, ये देखो रेवोल्यूशन होता है लेकिन रोटेशन भी होती है। ये जो सन है, सन भी रोटेट कर रहा है, सन इज ऑल्सो रोटेटिंग। डिफरेंट डिफरेंट जो हम देखें कि अगर इक्वेटर पे देखें तो कुछ और दिन लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 25 दिन कोई बोलता है, यहाँ पे रोटेशन के लिए कोई 35 दिन बोलता है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट, बट सन इज ऑल्सो रोटेटिंग। सन जो है इज ऑल्सो रोटेटिंग। ये देखो यहाँ पे सन जो है ये भी रोटेट कर रहा है, और प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स भी रोटेट भी कर रहे हैं, रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं, राइट। अभी हम आ गए हैं मास के ऊपर। सन जो है इसका मास, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 71% हाइड्रोजन, हमें पता है, 27% ऑफ हीलियम, और 2% ही कुछ और एलिमेंट्स अगर होंगे तो होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें हर टाइम चलती रहती है, दैट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन, यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी तो बहुत बार बात करी है, याद हो जाना चाहिए। होती कहाँ पे है, कोर में। कोर क्या है, सन का इंटरनल पार्ट। एनाटॉमी अभी करवाऊंगी तो पढ़ाऊंगी। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग इज अ कॉस्मिक ईयर, वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज अ कॉस्मिक ईयर। व्हाट इज कॉस्मिक ईयर? देखो पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम इसको माने कि ये सोलर सिस्टम हो गया, ये हमारा सन है, सन जो है ये खुद भी घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे भी घूम रहा है। कन्फ्यूजिंग हो गया, रुको। देखो ये सोलर सिस्टम है, इसमें प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे एक प्लैनेट है, यहाँ पे एक प्लैनेट है, यहाँ पे एक प्लैनेट है। ये प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सन का, देखो सन का चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, और सन जो है ये भी रोटेट कर रहे हैं, बस अभी तक इतना याद रखो। लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कहाँ प्रेजेंट है, मिल्की वे में। ये देखो यहाँ प्रेजेंट है, मैंने बोला था ना सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, साइड में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। अभी यहाँ ये सारी प्रोसेस हो रही है, सूर्य घूम रहा है, प्लैनेट्स उसके इधर उधर घूम रहे हैं, और साथ में ये इंटायर सोलर सिस्टम, पूरा सोलर सिस्टम ये इसका चक्कर लगा रहा है यहाँ पे। ये देखो इसका चक्कर लगाएगा, ये इतने तो हम बोल नहीं सकते इतने लगाएंगे, क्योंकि जब इसने चक्कर लगाना शुरू करा होगा ना तब हम बने भी नहीं होंगे, और जब खत्म होगा तो शायद हम खत्म हो चुके होंगे। सो इट टेक्स टू मच टाइम, ओके। तो ये देखो ये रहा हमारा सन, रोटेट कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हो रोटेट कर रहा है, प्लैनेट्स भी इसका चक्कर लगा रहे हैं, खुद भी रोटेट कर रहे हैं, इसके इधर उधर भी चक्कर लगा रहे हैं, और ये इंटायर जो सोलर सिस्टम है ये भी हमारा मिल्की वे में, ये देखो ये मिल्की वे में क्या कर रहा है, पूरा घूम रहा है, ये भी मिल्की वे में क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा, और उस एक चक्कर को क्या हम बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर, जिसमें लग जाते हैं नियरली 225 मिलियन ईयर्स एक रेवोल्यूशन में। दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मिक ईयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्या है, ये है हमारा मिल्की वे, ये रहा हमारा सन, और ये रहा अदर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स सन के इधर उधर घूम रहे हैं और खुद भी रोटेट कर रहे हैं, सन भी रोटेट कर रहा है, और ये पूरा जो सिस्टम है, ये प्लैनेट, सन, अदर बॉडीज, एवरीथिंग, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, और ये सारा कुछ क्या कर रहा है, इस मिल्की वे का भी चक्कर लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। और एक कॉस्मिक ईयर में कितना टाइम लगता है, 225 मिलियन ईयर्स, और ऐसे वी डोंट नो हाउ मेनी चक्कर इट्स गोना कंप्लीट, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोना डिस्कस एनाटॉमी ऑफ द सन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनाटॉमी। इनसाइड द सन, द वेरी इनसाइडल पार्ट, दिस इंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज कोर, और इसी इंटायर पार्ट में हो रही है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। यहीं पे वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाली पूरी कहानी जो हमने इतनी बार करी है वो यहीं पे हो रही है, इनसाइड द कोर। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले कोर में हो रही है, और जब कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो कोर की शेल में शुरू हो जाती है, जब मैंने एवोल्यूशन में आपको समझाया था, कोर की शेल में शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो वर्स्ट करता है, प्लैनेटरी नेबुला बनता है, उसके बाद वाइट ड्वार्फ बन जाता है। सो दिस इज अ कोर, दिस बेसिक पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज अ कोर। कोर इज इनसाइड होट डेंस कोर, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजेज एनर्जी। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है वहाँ से एनर्जी निकल कर कहाँ चली जाती है, रेडियो एक्टिव जोन में चली जाती है।
टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। हर सेकेंड में देयर आर नियरली 620 मिलियन टन्स ऑफ हाइड्रोजन जो फ्यूज होती है इनटू द हीलियम कोर के बीच में, इतनी ज्यादा और बहुत ज्यादा इसकी जो एनर्जी है, इसमें से ही जो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रही है उसी की वजह से हमारा सूर्य जो है वो चमक रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज अ रेडियोएक्टिव जोन, ये वाला पार्ट, ये इंटायर पार्ट इज अ रेडियोएक्टिव जोन। और जितनी भी एनर्जी अभी यहाँ पे बनी थी वो सारी एनर्जी इस जोन में आ रही है और एकदम से नहीं आ रही है, यहीं पर टाइम लगता है। अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि जो रिएक्शन यहाँ पे लाखों साल पहले हो गया वो धीरे 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 करके सरफेस पे आती है और यहीं से हमारे तक तो वो कुछ 8-16 मिनट में पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे वो रिएक्शन जो होती है, जो एनर्जी लाइट बन के हमारे तक पहुंचती है, वो यहाँ लाखों साल पहले हो चुकी होती है। तो आउटसाइड द कोर इज अ रेडियो एक्टिव जोन, दिस पर्टिकुलर जोन इट इज अ डेंस इनफ फॉर अ न्यूक्लियर फ्यूजन टू टेक प्लेस, यहाँ पे नहीं हो सकती है, बहुत डेंस है। एनर्जी फ्रॉम द कोर सीप्स वेरी स्लोली आउट थ्रू द ईयर, बहुत ज़्यादा लाखों साल लग जाते हैं इस एनर्जी को यहाँ से इधर इधर जाती, इधर जाती, इधर जाती, कहीं जा जाके फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो हमारे तक पहुंचती है। इट टेक्स अराउंड 1 मिलियन ईयर्स फॉर एवरी एनर्जी टू ट्रैवल आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। आफ्टर रेडियोएक्टिव जोन वी हैव अ कनेक्टिव जोन, ये वाला जोन जो है दिस इज अ कनेक्टिव जोन, रेडियोएक्टिव के बाहर है, यहीं से जो एनर्जी है वो हमारे तक पहुंचती है, इस जोन से ही एनर्जी जो है वो हमारे तक पहुंच जाती है। फोटोस्फीयर उसके बाद आता है हमारा फोटोस्फीयर, ये देखो ये देख रहे हैं हम लोग, दिस जोन इज अ फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर द सन्स अपेरेंट सर्फेस इज कॉल्ड एज फोटोस्फीयर, ये जो बाहर हमें दिख रहा है फोटोस्फीयर है, यहीं से एनर्जी जो है वो स्पेस में जाती है और स्पेस में से जाकर हमारे पास पहुंचती है। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इतना पहुंच जाता है, लाइट यहाँ से जो निकलती है इट टेक्स नियरली 8 मिनट 16 सेकेंड्स टू रीच द अर्थ। नेक्स्ट इज अ क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर क्या है, क्रोमोस्फीयर ये देख रहे हैं हम लोग, ये जो बिल्कुल लास्ट वाली एकदम पतली सी लेयर है, दिस इंटायर लेयर इज अ क्रोमोस्फीयर, और इसके ऊपर ये जो हम लाइट देख रहे हैं दिस इज अ करोना। और क्रोमोस्फीयर और करोना दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सन का एटमोस्फीयर बनाते हैं। करोना क्या है, करोना इज नथिंग, इट इज जस्ट अ जेट ऑफ हॉट गैसेस जो हमें इधर ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, दिस ऑल इज अ करोना। और इसको मतलब ऐसे जैसे तीखे तीखे कांटे निकल रहे हो, ये जो हम बनाते हैं ना छोटे होते बनाते थे, दिस इज ऑल्सो अ करोना। करोना ये क्या होता है, जैसे देखो जब हमारा सोलर एक्लिप्स आता है, ठीक है, और सन जो है मून के द्वारा कवर कर लिया जाता है, ये देखो यहाँ पे ऐसे सन को मून जो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो जो हमें इमेज दिखती है मून के पीछे, ठीक है, दैट इज जस्ट करोना एंड क्रोमोस्फीयर। ये देखो ऐसे ये तो हो गया मून, ये जो हमें दिख रहा है दैट इज करोना एंड क्रोमोस्फीयर, दिस इज अ इंटायर एनाटॉमी। इसमें हमने क्या पढ़ा एनाटॉमी में कि दिस इज अ कोर, कोर में रिएक्शन होती है, कोर से एनर्जी बनती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। देन वी हैव अ रेडियो एक्टिव जोन, दिस रेडियो एक्टिव जोन इट इज वेरी 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 डेंस, जो एनर्जी यहाँ से निकलती है वो रेडियो एक्टिव जोन में पहुँचती है और रेडियो एक्टिव जोन से डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती है, लाखों साल लगते हैं, धीरे 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 एनर्जी जो है वो कनेक्टिव जोन में पहुँचती है और कनेक्टिव जोन से वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद फोटोस्फीयर होता है, फोटोस्फीयर से बाहर एनर्जी जो है स्पेस तक हमारे तक पहुँच जाती है, फोटोस्फीयर के एग्जैक्ट बाहर जो है दैट इज अ क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर इज अ वेरी थिन लेयर, क्रोमोस्फीयर में ऐसे स्पाइक्स जैसे हमें स्ट्रक्चर दिखते हैं उसको हम क्रोना बोलते हैं, क्रोना और क्रोमोस्फीयर दोनों मिलके एटमॉस्फेयर बनाते हैं। यही एटमॉस्फेयर जब सोलर एक्लिप्स होता है, जब सन को जो है कंप्लीटली हिडन कर लिया जाता है मून के सरफेस के द्वारा, तो जो साइड पे हमें चीज दिखती है दैट इज टोटली सन्स एटमॉस्फेयर व्हिच इज अ करोना एंड क्रोमोस्फीयर, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ फ्रॉनहोफर लाइन, देर आर फ्यू टर्म्स विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, इट इज इंपॉर्टेंट। फ्रॉनहोफर लाइन्स क्या होती हैं, इट इज जस्ट मतलब इट इज अ बैंड ऑफ स्पेशल अब्जॉर्प्शन लाइन्स, वहाँ से हमें पता चलता है कि सन की जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, उसको कुछ ब्लैक लाइन्स जो हैं वो सुपर इम्पोज करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ गैसेज प्रेजेंट हो सकती हैं, दैट इज अ जस्ट फ्रॉनहोफर लाइन। दिस वर गिवन बाय यू नो जर्मन फिजिसिस्ट जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर, दिस सेट ऑफ लाइन्स दे वर ओरिजिनली ऑब्जर्व्ड इन यू नो स्पेक्ट्रम ऑफ द सन, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द सन, इतना इनफ है एग्जाम में लिखने के लिए। देन वी हैव सोलर विंड, सोलर विंड क्या होता है, इफ आई हैव, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं हम सोलर विंड्स क्या है, सोलर विंड में जो सन जो है वो फोटोन्स को ना कंटिन्यूली
स्ट्रीम्स कर रहा है इन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे यहाँ से फोटोन्स ऐसे निकल रहे हैं, तो वहाँ से क्या हो रही है, सोलर विंड्स बन रही हैं। वो जो सोलर विंड्स हैं वो जब अर्थ के पास पहुँचती है तो अर्थ का एटमोसफेयर उस सोलर विंड को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, उस सोलर विंड को ट्रैप कर लेता है, और उसको हम बोलते हैं अरोरा। और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि जब वो उसको ट्रैप कर लेता है तो ये जो स्टॉर्म है, ठीक है, सोलर विंड्स हैं, और जब ये ट्रैप हो जाती हैं, अरोरा बन जाता है, तो इट मे डिस्टर्ब वेरियस रेडियो ट्रांसमिशन and it can also disturb the connection or the you can say that of the transmission of the space travel, ठीक है, तो उसको डील करने में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। देन वी हैव प्लेजेस एंड दिस सन स्पॉट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो सन स्पॉट क्या है, प्लेग क्या है, सबसे पहले जैसे ब्राइटिंग स्पॉट जो क्रोमोस्फेयर पे होंगे, जैसे ये क्रोमोस्फेयर है ना, इसके ऊपर कुछ ब्राइट स्पॉट्स होंगे, उनको हम प्लेजेस बोलते हैं, ठीक है। और जो डार्क स्पॉट होते हैं उसको हम सन स्पॉट बोलते हैं। ये देखो ये रहा डार्क स्पॉट, इसको हम बोलेंगे सन स्पॉट। देयर आर फ्यू ब्लैक डार्क स्पॉट्स। जब ब्लैक हो गया, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, जब ब्लैक हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, ब्लैक होल जो है वो भी क्या है, इट इज़ वेरी 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 कोल्ड, एक्सट्रीम क्यूट कोल्ड टेम्परेचर, जीरो कोल्ड टेम्परेचर, जो सबसे ठंडा है यूनिवर्स में, सबसे ठंडा है वो टेम्परेचर इस पर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ ब्लैक और ये बहुत ठंडा होता है, और इसको सन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डार्कर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी है। और एक बात मैं और आपको बताती हूँ, यहाँ से कोई हीट जो है वो मतलब बाहर नहीं जा रही है, कुछ नहीं इस पर हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी। इसमें मैग्नेटिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसे जो है ये बनते रहते हैं, वो होते रहते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा ब्लैक रीजन होता है उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं, ये हम याद रखेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लैक रीजन इज कॉल्ड एज अम्ब्रा, एंड जो लाइटर रीजन है, ठीक है, एम सी क्यू के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पिनम्ब्रा। So this is all about the anatomy of sun. So in next video we are just gonna discuss about planets only, then we will discuss earth in detail, then we will discuss how to learn like who is the biggest, smallest, hottest and all other things in a one video. Thank you so much.